हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है व्हील ऑफ टाइम के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। आज हम फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे लोगों की अलग अलग कहानियां शुरू है। पेरिन और ईग्वेन को एक ग्रुप मिला है जिनके साथ वो अपना आगे का सफर तय करने वाले है। मैट और रैंड एक गाँव में रुकने वाले थे, पर वहाँ की बार ओनर उनको निशाचर के हवाले करना चाहती थी क्योंकि वो ड्रैगन का अवतार हो सकते हैं। पर यह दोनों को उस गांव का एक गायक बचा लेता है और वहां से भागने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ लैन और मोरेन के साथ अब नैनी भी आ चुकी है, जिसने त्रासक को उसी की तलवार से मारकर उसके चंगुल से निकल गई। थर्ड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा है कि रेड एसडे वाली ग्रुप ने एक आदमी को पकड़ा है जो खुद को ड्रैगन कह रहा है। अभी फोर्थ एपिसोड में हम देखेंगे कि किसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं फोर्थ एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन देखने मिलता है, जिसमें वही आदमी होता है जो थर्ड एपिसोड के एंडिंग में था। इसका नाम लोगेन होता है और इसने अपनी सेना के साथ एक बड़े राज्य पे अटैक किया है। लोगेन को लगता है कि वो ड्रैगन का पुनर्जन्म है और यही सब बातें लोगेन उस राज्य के राजा को बता रहा होता है। उस किंगडम का किंग लोगेन से कहता है कि ड्रैगन हमेशा अपने पावर का मिसयूज करते हैं और दुनिया को तबाह कर देते हैं। पर यह लोगेन उस किंग के घाव को भर देता है और कहता है कि इस बार ड्रैगन अच्छा है और वो दुनिया को बचाना चाहता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कुछ शैडो से जो लोगेन को ये सब करवा रहे हैं। वो शैडो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे लोगेन कर रहा था। लोगेन को लग रहा था कि ये सब शैडोज पहले के ड्रैगन से जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मोरेन को एक एसिड अपनी पावर यूज करके ठीक कर देती है और मोरेन का घाव भर जाता है। इसके बाद मोरेन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और लोगेन के पास जाती है, जिससे एक जादुई केज में बंद करके रखा है। वहां जाने के बाद मोरेन को समझता है कि लोगेन की पावर इतनी ज्यादा है कि उसे शांत करने के लिए दो एसिड आई को दिन भर उसके सामने बैठकर उस पर नजर रखनी पड़ रही है। वही बाहर मोरेन का रक्षक लैन बाकी के रक्षक के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। यही हमें स्टेपिन नाम का एक रक्षक दिखता है जो कि लैन का सबसे अच्छा दोस्त था। इसके बाद हमें ईग्वेन और पेरिन दिखते हैं, जो सब बंजारों के साथ दूसरे लोकेशन के लिए निकल रहे थे। यहाँ पेरिन को इन लोगों पे डाउट आ रहा था क्योंकि ये लोग जरूरत से ज्यादा ही अच्छे लोग थे। फिर हमें मैट और रैंड दिखते हैं, जो उस बार सिंगर के साथ अपने आगे का सफर के लिए निकल रहे हैं। मैट रैंड से पूछता है कि मोरेन ने कहा था कि सिर्फ चार लोगों में से एक ड्रैगन का पुनर्जन्म है, और उस बार ओनर के सपने में पांच लोग आते थे, तो वो पांचवा इंसान कौन है। फिर हम ईग्वेन और पेरिन की कहानी देखेंगे, जो उस बंजारों के ग्रुप के साथ दूसरे लोकेशन पे जा रहे होते हैं। और यहाँ पेरिन को दिखता है कि इन लोगों के पास एक भी हथियार नहीं है, इसलिए वो एक लेडी से पूछता है कि तुम अपनी सुरक्षा कैसे करते हो। तब वो लेडी कहती है कि वो लोग कभी भी लड़ाई नहीं करते, अगर किसी ने हमला किया तो मौका मिलते ही भाग जाते हैं, और ये मौका नहीं मिला तो सहन कर लेते हैं। उस लेडी का मानना था कि इस दुनिया में व्हील ऑफ टाइम का चक्र हमेशा शुरू रहता है, इसलिए वो इंसान जो मरेगा वो फिर से आएगा, तो क्यों हथियार उठाकर इस दुनिया को और ज्यादा खराब करें। लेडी कहती है कि हथियार उठाकर किसी का भी भला नहीं हुआ है, सबका नुकसान ही हुआ है। और यहाँ पेरिन को अपनी बीवी याद आती है, क्योंकि पेरिन की हथियार की वजह से ही उसकी जान गई थी। फिर सारे लोग एक जगह रुकते हैं और खुशी से डांस करने लगते हैं, पर साइड में पेरिन अभी भी उस लेडी से बात कर रहा था। लेडी अपनी कहानी कहती है कि कैसे अपनी बेटी के मरने के बाद उसने ये नॉन वायलेंस का रास्ता चुना, और तभी उसे समझ आया था कि ये व्हील ऑफ टाइम क्या है। इसके बाद रैंड और मैट दोनों आगे जाते हैं और उनको एक घर मिलता है जहाँ पे वो एक रात के लिए रुक सकते हैं, पर उस घर का मालिक उन पे अटैक करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग चोर है जो कि चोरी करने आए हैं। पर रैंड के समझाने के बाद वो घर का मालिक उन्हें एक रात के लिए रहने के लिए जगह देता है। इसके बाद मैट और रैंड उस रूम को साफ कर रहे थे जहाँ उन्हें रहने की जगह मिली थी, और तभी मैट की तबीयत खराब होने लगती है। मैट ने जो हथियार उस श्रापित शहर से लिया था, ये सब उसी का असर है। तभी वह उस फैमिली की एक छोटी लड़की मैट को खाना देने आती है, और मैट को उसे देखकर अपने बहनों की याद आती है। वही अंदर जो सिंगर है वो रैंड को समझा रहा था कि हमें मैट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे पागल और बीमार होते जा रहा है, जैसे वो लोग होते हैं जिनके पास पावर आ रही होती है। इसके बाद मैट अंदर जाके सोने लगता है, और तभी रैंड आके उसे समझाता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी रैंड के सपने में रैंड देखता है कि पेरिन कुलाड़ी लेके अपनी बीवी को मार रहा होता है। मैट के हाथों में किसी दूसरे इंसान का खून लगा हुआ है, और ईग्वेन को एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है जिसे रैंड ने पहले भी देखा था। ये देखकर रैंड उठ जाता है और वो देखता है कि मैट उस रूम में नहीं है। रैंड और सिंगर दोनों मैट को ढूंढने उस फैमिली के रूम में जाते हैं,
तो दिखता है कि मैट किसी के वश में है और सामने उस फैमिली के लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैट अपने नाइफ से सामने इशारा करता है तो सामने एक फेड होता है, जिसे देखकर रैंड मैट को लेकर वहां से चले जाता है। वो सिंगर फेड से लड़ने लगता है ताकि दोनों भी वहां से भाग जाए। बाहर आकर मैट को उसी छोटी बच्ची की लाश दिखती है जो उसे खाना देने आई थी, पर अभी यहाँ ये नहीं दिखाया कि ये सब मैट ने किया जो कि एक शैतान के वश में था या उस फेड ने जो छुपा हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें मोरेन और ग्रीन एसेडाई देखने मिलती है जो लोगेन पे नजर रखे हुए थी। दोनों के बातों से ये समझ आता है कि पहले के ड्रैगन ने दुनिया तबाह की थी, इसके वजह से वो लोग कई हजारों साल फिर से पीछे आ गए। पर मोरेन कहती है कि इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी और उसे ऐसा लग रहा है कि लोगेन एक नकली ड्रैगन है। दूसरी तरफ नैनिव से मिलने रेड एसेडाई आती है और दोनों बात करने लगते हैं कि कैसे हर ग्रुप की एसेडाई का अलग अलग काम है। रेड एसेडाई सिक्योरिटी का काम करती है और ब्लू एसेडाई जासूस का। इसके बाद रात होती है और सारे एसेडाई के रक्षक एक जगह बैठकर नैनिव से बात कर रहे थे कि कैसे वो त्रासक को मारकर बच गई। नैनिव को समझ आता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे है और जैसे नैनिव सोचती थी वैसे वो लोग नहीं है। या स्टेपिन जो लैन का बहुत अच्छा दोस्त है, वो नैनिव को समझाता है कि एसेडाई और उसके रक्षक का बहुत गहरा रिश्ता होता है, पति पत्नी और माँ बाप के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा। फिर लैन मोरेन के पास आता है और अपना डाउट पूछता है कि ड्रैगन 20 साल का होगा पर लोगेन 30 साल का है, और मोरेन लैन को भी समझाती है कि इसलिए उसे ये आदमी नकली ड्रैगन लग रहा है। दूसरी तरफ लोगेन के सामने रेड एसेडाई बैठी थी और तभी एक दूसरी एसेडाई आती है और रेड एसेडाई कहती है कि इसे यही मार देना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके कंट्रोल के बाहर हो सकता है। पर दूसरे एसेडाई बोलती है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसलिए इसे श्वेत मीनार लेके जाना है, इसलिए इसे यहाँ पे नहीं मार सकते। फिर लैन और नैनिव दोनों में कुछ बातचीत होती है और नैनिव को समझ आता है कि जैसे वो समझ रही थी वैसा लैन नहीं है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि लोगेन की सेना एसेडाई के कैंप पर हमला कर देती है। अंदर रेड एसेडाई कह रही होती है कि 7 एसेडाई एक साथ होगी तो कितनी भी बड़ी सेना उन्हें हरा नहीं सकती। तभी लोगेन अपने केज के अंदर जाग जाता है और अपने पावर से उसके सामने खड़े सारे एसेडाई लोगों को उड़ाकर फेंक देता है। बाहर सब लोग लोगेन की सेना को रोक रहे होते हैं और अंदर लोगेन अपने केज को मेल्ट करके बाहर आ जाता है। तभी लोगेन के सामने मोरेन आती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मोरेन वही कहती है जो वो पूरे एपिसोड में कह रही थी कि ये नकली ड्रैगन है, पर लोगेन कहता है कि उसके साथ पुराने ड्रैगन बात करते हैं और जो गलती उन्होंने की है लोगेन उसे सुधार रहा है। तभी मोरेन समझ जाती है कि ये भी उन लोगों में से एक है जो पावर आने के बाद पागल हो जाते हैं और उन्हें ऐसी ही चीजें दिखती है। तभी तीनों एसेडाई उठकर लोगेन को वापस कैद करने की कोशिश करते हैं पर लोगेन उनमें से एक एसेडाई को मार देता है। ये वही एसेडाई होती है जिसका रक्षक स्टेपिन होता है और बाहर लड़ाई करते वक्त स्टेपिन समझ जाता है कि उसकी एसेडाई की मौत हो गई है। ये समझ के स्टेपिन अंदर आता है और उसे उसकी एसेडाई मरी हुई दिखती है, जिसे देखकर स्टेपिन लोगेन को एक हथियार से मारने जाता है पर लोगेन उसी हथियार के टुकड़े करके सामने खड़े सारे लोगों को घायल कर देता है। मोरेन के पेट में वही हथियार चले जाता है और लैन का भी गला कट जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों अभी मरने वाले हैं। पर तभी वह नैनिव आती है और लैन को ऐसे हालत में देखकर जोर से चिल्लाती है, जिसे एक पावर निकलती है जिसे सारे लोग ठीक हो जाते हैं और लैन का भी घाव भर जाता है। लोगेन ये देख के समझ जाता है कि इस पावर के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं है। इसी शॉक में रहते वक्त सारे एसेडाई लोगेन की पावर्स को उससे अलग कर देते हैं। लोगेन की अब सारी पावर निकल गई है और वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ स्टेपिन अपने एसेडाई को लेकर बैठा हुआ था। 4th एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।